Hello, friends, welcome to Siksha. How are you all? I hope everyone is doing fine and preparing well for your examinations. So, guys, uh, this is lecture number 22 on your MCQs on current affairs and development issues. Very, very uh, useful, very, very helpful for your UPSC EPFO exam. Okay. सो विल बी डूइंग टेन क्वेश्चन एज यूजल एंड टेन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको समझें आंसर करें खुद से एंड देन लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें ओके एंड दिज आर द एम सी क्यू कोर्सेज दिस इज द टाइम गाइज अगर अब आप एम सी क्यू कोर्सेज लेना चाहते हो दिस इज द टाइम दैट यू शुड परचेज ठीक है अल्टीमेटली हेल्पफुल आपको ये इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होगा कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन मेल मी ऑन दिस ई मेल आई डी और यू कैन ऑल्सो पोस्टेड इन टू द कमेंट सेक्शन ऑल राइट गाइज सो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्का सूबह ओके वॉट इज दिस अर्का सूबह यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट सो द फर्स्ट स्टेटमेंट से ये एक फोर्टिफाइड राइस है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है दूसरा कहता है कि इसके अंदर हाई कैरोटीन कंटेंट होगा जिसमें से 2.8% जो है आपको देखने को मिलता है और विच इज हाइएस्ट अमंग ऑल प्लांट सोर्सेज तो जो कैरोटीन कंटेंट इसके अंदर है वो वन ऑफ द हाइएस्ट है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. देखो करेक्ट इन करेक्ट बार बार बोल रहा हूँ ध्यान में रखना है ठीक है तो ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नीदर ओके okay, तो अर्का सुबह के बारे में अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है पीआईबी की ये न्यूज़ है वहाँ पर डायरेक्टली इसको वो स्टेटमेंट बेस के ऊपर भी पूछ सकता है वो इसको डायरेक्ट के ऊपर भी पूछ सकता है कि अर्का सुबह जो वेराइटी है जिसको रिसेंटली डेवलप किया है ये किस पर्टिकुलर क्रॉप की वेराइटी है ऑल राइट एंड द करेक्ट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी टू ओनली सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है अर्का सुबह जो है इसके अंदर हाई कैरोटीन कंटेंट रहता है विच इज़ हाइएस्ट मंगॉल अब पहली स्टेटमेंट में गलत क्या था पहली स्टेटमेंट में गलत ये था क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया है और ये एक मैरीगोल्ड वेराइटी है ठीक है दिस इज़ अ वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड गोल्ड एंड नॉट अ वेराइटी ऑफ राइस तो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था राइस गिवन था और आईसीएआर गिवन था तो इसीलिए दोनों ही ये गलत हो गई चीज़ें ठीक है डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने और मेरीगोल्ड वेराइटी है ठीक है जी कैरोटीन कंटेंट काफी ज्यादा हाई है ज्यादातर आपके जितने भी मेरीगोल्ड होते हैं उनके अंदर जो कैरोटीन कंटेंट होता है वो वन होता है लेकिन इसके अंदर टू है एंड इस पर्टिकुलर वेरायटी को आप क्रूड कैरोटीन एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो एंड बेसिकली दिस विल हेल्प यू इन वेरियस कॉमर्शियल यूजेजेज एंड इसके जो पेटल्स होते हैं इसको आप एज अ पोल्ट्री फीड भी इस्तेमाल कर सकते हो दो इतनी डिटेल में वो आपसे ई के अंदर तो नहीं पूछने वाला बेसिकली ई के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है मेरी गोल्ड का वेराइटी है और ख़ासियत क्या है हाई कैरोटीन कंटेंट है ये तीन चीज़ें याद हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ई में सेकेंड क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन कौन सी मिनिस्ट्री ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है ये निकाली है रिलीज़ की है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बड़े क्लोज सी मिनिस्ट्रीज़ हैं ठीक है एलिमिनेट uh, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जैसे अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा होता या मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस लिखा होता तो उनको फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा एलिमिनेट कर देता है कि यार ये सारी मिनिस्ट्रीज़ क्यों इस सब में घुसेंगी है ना लेकिन ये जो है ये सारी की सारी एक तरह से आपका बेसिकली uh, रिलेटेड uh, है ओके सो द करेक्ट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन सी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है इसने इसको निकाला इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को तो बेसिकली ये थर्ड एडिशन है इस डिक्शनरी का एक तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसने बनाया और उसने बोला कि भाई मिनिस्ट्री ने पहली एडिशन निकाली है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तो वो गलत हो जाएगा ठीक है अराउंड टेन थाउजेंड टर्म्स इसके अंदर इस थर्ड एडिशन ऑफ डिक्शनरी के अंदर हैं और बेसिकली इसको निकाला किसने ये डिक्शनरी को बेसिकली पब्लिश किसने किया है दैट इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ मेंट एंड पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विध डिसबिलिटीज के अंडर आता है ओके विच इज़ योर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ओके और डिक्शनरी के अंदर रीजनल साइंस भी यूज़ किए गए हैं फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री तो क्या क्या याद रखना है थर्ड एडिशन है ये याद रखना है निकाला किसने है ये याद रखना है ओके चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि वॉट इज दिस नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट बेस में भी या डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि ये नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज क्या है तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया इट हैज बीन लॉन्च बाय ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है okay? ओके तो बेसिकली इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का और इसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद द बर्नार्ड वेन लियर फाउंडेशन ओके विद टेक्निकल पार्टनर डब्ल्यू आर आई इंडिया तो तीन लोग इन्वॉल्व हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बर्नार्ड वेन लियर फाउंडेशन एंड डब्ल्यू आर आई इंडिया तो तीनों के बारे में पता होना चाहिए तीन साल का ये इनिशिएटिव है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद रखेंगे इसको एंड बेसिकली इसके अंदर बात क्या की जा रही है कि कैसे जो हम स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं तो इन स्मार्ट सिटीज़ को कैसे हम चाइल्डहुड फ्रेंडली बना सकते हैं ठीक uh, है जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके अंदर बच्चों के लिए क्या प्रोविजन हैं ओके सो बेसिकली ये क्या एम करता है कि चाइल्डहुड हुड एमेनिटीज़ जो हैं उनको क्रिएट किया जाए चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस प्रमाइसिस हों चाहे वो बस शेल्टर्स हों चाहे वो ट्रांजिट हब्स हों तो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ किस तरीके से इन स्मार्ट सिटीज़ के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है किसने निकाला है ठीक है किसका ये पर्टिकुलर चैलेंज है कितने साल का पीरियड है इसका और अल्टीमेटली गोल क्या है चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन विच वॉज द की फोकस एरिया ऑफ द थर्ड मीटिंग ऑफ क्वाड फॉरन मिनिस्टर्स दैट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्वाड से रिलेटेड न्यूज़ हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी चार देश आते हैं क्वाड के अंदर अपने को पता है वो कौन से कौन से आ जाते हैं यू एस आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है इंडिया आ जाएगा अपना और कौन सा आ जाएगा जापान आ जाएगा ठीक है तो ये चार देश हैं जो आपके क्वाड बनाते हैं तो बेसिकली जो आपकी फेबररी 2021 में क्वाड की मीटिंग हुई थी उसमें क्या की फोकस एरिया था डिस्कशन का क्वाड uh, मेंबर्स का सो दैट वाज म्यान्मार बेसिकली म्यांमार के अंदर डिस्कशन uh, ये किया गया था कि कैसे म्यांमार के अंदर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट uh, को इस्टेब्लिश किया जाए ओके सो द आंसर इज डी चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टोक्यो ओलंपिक ठीक है ये आ, आपके ओलम्पिक्स सभी न्यूज़ में थे इंडिया ने मेडल्स भी जीते हैं इसके अंदर तो डेफिनेटली कई बार इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं चांसेज दो कम हैं यू पी एस सी के एग्ज़ाम में बट यू नेवर नो यू पी एस सी सो एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी सीको होशियो मोटो ओके सीको होशियो मोटो इज द प्रेजिडेंट ऑफ ट्वेंटी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टोक्यो ओलंपिक सब तो खत्म हो गया है ठीक तो है नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्ड द हंडर्ड एंड फाइनल के नाइन वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइजर गन्स टू द इंडियन आर्मी तो बेसिकली ये के नाइन वज्रा जो हॉइजर गन्स हैं ये किसने बनाया है इंडिया के अंदर वो पता होना चाहिए ठीक है टाइम एंड अगेन इसकी डिलीवरी आर्मी को होती रहती है तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लार्सन एंड टर्बो एल एंड टी जो कंपनी है वो इंडिया के लिए ये के नाइन वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हाइडजर गन्स जो है वो मैनुफेक्चर कर रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन वॉश स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स गिवन है तो सबसे पहले कहता है कि वॉश जो है इट स्टैंड फॉर वाटर एंड सैनिटेशन वाटर एंड सैनिटेशन ओके तो डेफिनेटली आपको एब्रीविएशन पता होनी चाहिए कि वॉश की फुल फॉर्म क्या है और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नीदर वन नर टू कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है ये आपको बताना है सो द करेक्ट आंसर हेयर गाइज इज ऑप्शन बी टू ओनली ऑप्शन बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वॉश की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है इट स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वाटर डब्ल्यू ए सैनिटेशन एस एंड हाइजीन एच ओके और अपने ऑप्शन uh, में क्या बोल रहा था सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन तो इसीलिए गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वॉश स्ट्रैटेजी डब्ल्यू एच ओ ने डेवलप की है बेसिकली और इट विल हेल्प द नेशंस ताकि वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज योर एच डी जी थ्री विच इज़ रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग और एच डी जी सिक्स दैट इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें ओके चलिए एर्थ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर इज रिलीज बाय यूनेप ओके तो पहले तो देखो डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है दूसरा यूनेप का हेड क्वार्टर नायरो कीनिया में है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या नीदर बेसिक सा क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज सी दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक हैं तो देखो ये डायरेक्टली भी सीधा ए बी सी डी वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भैया ये मेकिंग पीस विद नेचर जो है ये रिपोर्ट कौन निकालता है ऑप्शन में दे देगा यून निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ओके यू एन आपका जो यूनिसेफ है वो निकालता है ओके okay? एंड यू एन एफ सी 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 ठीक है ये भी दे सकता है ऑप्शन के अंदर तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा यून एप ओके सो so, अगर हम बात करें इसकी तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट यून ने uh, रिलीज किया बेसिकली अपने फिफ्थ सेशन के टाइम पर एंड बेसिकली रिपोर्ट के अंदर बात की गई है कि कैसे क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉपुल पॉल्यूशन uh, की वजह से प्लानिट uh, के अंदर जो एमरजेंसीज हैं जो सेल्फ इन्फ्लिक्टड एमरजेंसीज हैं उनका इंक्रीज हो गया है एंड बेसिकली इससे आपकी फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा आप एक अनएक्सेप्टेबल रिस्क के ऊपर डाल रहे हैं ओके okay? यूनेप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पहले भी डिस्कस की है बेसिकली यूनेप uh, से रिलेटेड हमने डिस्कस किया हुआ है ना वट इज़ दिस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली तो बेसिकली दिस इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनेप ओके वर्ल्ड की हाइएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के ऊपर बाइनियरली मीट करती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए रहेगा और जून 2020 में इसको क्रिएट किया गया था जब आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जिसको आप रियो 20 भी कहते हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच कैन बी डायरेक्टली आस्ट चलिए नाइन्थ क्वेश्चन यू एल यू प्रोक्लोमेशन इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन ए फ्यूचर पेंडेमिक को फ्यूचर uh, एपिडेमिक्स को कैसे uh, जो है या पेंडेमिक्स को कैसे रोका जाए लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर आउटर स्पेस के पीसफुल यूज से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन, फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर आता है तभी आंसर कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी ओके सो बेसिकली आपका जो यूनेस्को है वो हर साल ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है तो कई बार इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर भी सवाल वो पूछ सकता है ओके okay? एंड इसी के कंटेक्स में यूएलयू प्रोक्लेमेशन जो है ये यूनेस्को ने 2018 में निकाला था और ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है कि किस तरीके से कंट्रीज और रीजन्स के जो एफर्ट्स हैं उनको गाइड किया जा सके ताकि जो लिंग्विस्टिक रिसोर्स हैं और जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है दुनिया के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ओके सो बेसिकली आपने इतना याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ओके चलिए और राइट नाउ लेटर्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस लेक्चर वेयर वॉज द फोर्टी एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल कंडक्टेड ये हर साल एक ही स्टेट के अंदर होता है ठीक है दिस इज़ द ट्रेडमार्क डांस फेस्टिवल ऑफ़ द स्टेट ऑफ ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ठीक है ये एडिशन वेडिशन याद करना इतना ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के लिए लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट के अंदर होता है तो इट हैपन्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ओके So, with this, guys, we come to the end of this lecture. I hope you enjoyed it and got to learn and revise a few things. Okay, so please share the channel and please subscribe the channel if you haven't done it yet. I'll see you in the next lecture. Till then, all the best and bye bye.